हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रेवल साथी। फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट द वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो दो वैकेंसी लेटेस्ट पब्लिश हुआ है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट। सो इस वीडियो में बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स है, उसका क्वालिफिकेशन, आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है, एंड सैलरी डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड इंटरव्यू डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सो दैट आपको ऐसे ही लेटेस्ट एयरपोर्ट जॉब अपडेट्स मिलता रहेगा। एंड ऑल्सो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब एट एयरपोर्ट। सो चलिए शुरू करते हैं। सो वॉक इन रिक्रूटमेंट जो एक्सरसाइज है चेन्नई एयरपोर्ट के लिए, सो दो पोस्ट अवेलेबल है, दैट इज लाइक अ ह्यूज पोस्ट। सो यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 130। सो 130 टोटल वैकेंसी है एंड इसका डेट एंड टाइम है इंटरव्यू के लिए 2 मई बिटवीन 9 AM टू 12 AM आवर्स। सो 9 बजे से 12 बजे के अंदर आपको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ हैंडीमैन और हैंडी वूमैन, इसमें टोटल जो वैकेंसी है दैट इज़ 292। इसका वॉक इन डेट एंड टाइम है 4 मई बिटवीन 9 AM टू 12 आवर्स। सो इसके अंदर आपको रिपोर्ट करना है। इसका जो वेन्यू है दैट इज ऑफिस ऑफ द HRD डिपार्टमेंट, AI यूनिटी कॉम्प्लेक्स, पल्लवरम, कैंटोनमेंट, चेन्नई। इसका लैंडमार्क है नियर ताज कैटरिंग। सो आपको जो वेन्यू बताया गया है एंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। बट फर्स्ट जो पोस्ट है उसके लिए हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग मैंडेटरी है। सो इसका नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन लगता है। सो ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट का आपको लिया जाएगा ऑन फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 3 ईयर्स एंड इट कैन बी रिन्यूड डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। सो इनिशियली 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और AISL का रिक्वायरमेंट रहा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। सो फर्स्ट जो पोजीशन है दैट इज़ यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो ये जो पोस्ट है, सो इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है दैट इज़ 10th और SSC स्टैंडर्ड पास एंड इसके साथ आपको एक वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपको कैरी करना है एंड ये आपको शो करना है एट द टाइम लाइक ट्रेड टेस्ट के वक्त आपका हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस देखा जाएगा। इसका सैलरी ऑफर हो रहा है 24,960 रुपीज़ पर मंथ। सो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स, OBC के लिए 3 साल का छूट है और SC एंड ST के लिए 5 साल का छूट है यहाँ पर। सो नेचर ऑफ जॉब फंक्शन, इसमें जॉब फंक्शन जो है देख लेते हैं। सो आपको एज ए यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के हिसाब में आपको क्या काम करना है, सो मेनली आपको जो हैवी व्हीकल्स है और ग्राउंड सर्विस जो इक्विपमेंट है, सो हैवी व्हीकल्स में ट्रैक्टर, बस, ये सब आपको ऑपरेट करना है और आपको ड्राइव करना है एंड इसके साथ आपका आपको इक्विपमेंट मेंटेनेंस भी करना है। सो HMV लाइसेंस मस्ट है इस पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप RTO एग्जाम रिसेंटली दिया है एंड सक्सेसफुली पास आउट किया है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई, बट जब ट्रेड टेस्ट होगा तब आपको वो लाइसेंस शो करना होगा, देन योर एप्लीकेशन विल बी ग्रांटेड। और जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, सो इनका तो वो तो डायरेक्ट इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हैं, उनका ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा वहाँ पर। सो नेक्स्ट पोजिशन जो है दैट इज़ हैंडी मैन और हैंडी वूमैन, इसका क्वालिफिकेशन है 10th और SSC स्टैंडर्ड पास एंड इसके साथ आपको इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आपको पढ़ना एंड समझना होगा एंड इसके साथ लोकल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में भी आपको समझना और बोलना होगा। सैलरी ऑफर हो रहा है 22,530 रुपीज़ पर मंथ। एज लिमिट सेम लाइक यूटिलिटी एजेंट। सो बेसिकली एज ए हैंडीमैन और हैंडीमैन वूमैन आपको एयरपोर्ट में बैगेज और कार्गो लोडिंग ऑफलोडिंग का काम करना है, एयरक्राफ्ट से ट्रॉली तक और ट्रॉली से एयरक्राफ्ट तक, एंड केबिन क्लीनिंग फंक्शन जो है वो भी आपको करना होगा, लाइक क्लीनिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, टेक्नीशियंस को असिस्ट करना है वर्कशॉप में, व्हीलचेयर असिस्टेंस एक्सेट्रा, और भी जो जॉब्स है जो आपका सीनियर है वो आपको डिपुट करेगा, सो आपको काम करना है अकॉर्डिंगली। और इसमें शिपिंग ड्यूटी है, शिपिंग पैटर्न है, सो शिपिंग ड्यूटी भी आपको करना होगा। सो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है देख लेते हैं। सो यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर का जो फर्स्ट जो पोस्ट जो टेस्ट है दैट इज ट्रेड टेस्ट। सो ट्रेड टेस्ट में आपका ट्रेड नॉलेज एंड ड्राइविंग स्किल देखा जाएगा और HMV लाइसेंस जो आपने एक्वायर किया उसको भी देखा जाएगा। सो जो ट्रेड टेस्ट में पास करेंगे सो उनको नेक्स्ट राउंड में भेजा जाएगा, दैट इज़ पर्सनल इंटरव्यू और वर्चुअल इंटरव्यू राउंड।
सो इसमें फाइनल सिलेक्शन में आपका सेम डे भी इंटरव्यू हो सकता है या सब्सिक्वेंट डे लग सकता है। सो अगर आप आउट स्टेशन करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपको बोर्डिंग और लॉजिंग का बंदोबस्त करना होगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ हैंडीमैन और हैंडी वूमैन। सो इसमें जो टेस्ट है फर्स्ट फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है। सो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपका जनरली रनिंग टेस्ट होता है, एक वेट दिया जाएगा आपको। सो वेट लेके आपको भागना है, जनरली 100 मीटर्स का रनिंग टेस्ट रहता है। तो जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू में भेजा जाएगा। सो नेक्स्ट राउंड है आपका हैंडीमैन हैंडी वूमैन का जो फर्स्ट राउंड है दैट इज़ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। सो उसके अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको नेक्स्ट राउंड दैट इज़ पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू में भेजा जाएगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कैसे इसमें अप्लाई करना है आपको। सो जो कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 अप्रैल मैच हो रहा है सो कैंडिडेट वॉक इन इंटरव्यू में आ सकते हैं। जो वेन्यू और डेट और टाइम बताया गया है सो अकॉर्डिंग टू दैट वेन्यू टाइम आपको आना है। एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ड्यूली फिलअप करना है एंड इसके साथ आपका जो टेस्टिमोनियल और सर्टिफिकेट है उसको फिल करके लेके आना है एंड इसके साथ एक एप्लीकेशन फी दैट इज़ ₹500 आपको देना है बाई मीन्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। ये पेएबल है एट मुंबई, बट अगर आप एक सर्विसमैन हैं और कैंडिडेट जो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनको ये डिमांड ड्राफ्ट नहीं देना है। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका फुल नेम एंड मोबाइल नंबर लिख देना है। सो इसके साथ एक रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका जो फॉर्म का जो स्पेस है उस स्पेस में जो फुल फेस फ्रंट व्यू नीटली पेस्ट करना है और जो डॉक्यूमेंट्स है आपका वो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो आपका जो सर्टिफिकेट्स एंड अदर्स जो रिजल्ट एंड अदर्स जो एक्सपीरियंस है वो और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना है। ऑल अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको अटैच करना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट आप लेके आ सकते हैं इंटरव्यू के वक्त। नेक्स्ट OBC कैंडिडेट जो है सो उनको नॉन प्रीमिलियर जो क्लॉज है अकॉर्डिंगली एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट और OBC फॉर्मेट जो है वो इस एडवर्टाइजमेंट साथ दिया गया है। सो वो फॉर्मेट आपको लेके आना है एंड जो OBC लिस्ट है दैट लिस्ट शुड बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं सो उनको एक NOC सर्टिफिकेट लेके आना है फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ www.aisl.in। सो इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स आपको मिल जाएगा एंड मेरा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी मैं ये एडवर्टाइजमेंट लिंक दे दूंगा, यू कैन गो अहेड एंड चेक। जनरल कंडीशंस, इसमें कुछ कंडीशंस है दैट इज़ लाइक लिस्टेड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट ऑर्डर और अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी के हिसाब से लिया जाएगा एंड इसमें SC ST OBC रिजर्वेशन है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है दैट इज़ फॉर 3 ईयर्स। सो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द असेसमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पहले भी टर्मिनेट हो सकता है ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अगर आपका अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले भी खत्म हो सकता है एंड ये जॉब ट्रांसफरेबल है इन एनी स्टेशन इन इंडिया। इसमें कंसिडरेशन है फॉर SC ST OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड एक सर्विसमैन के लिए। एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको पूरा कंप्लीट करना है आपको, अनसाइंड और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन और एक्सेप्टेबल। सो इसका जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ऑन 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से आपका जो क्वालिफिकेशन बताया गया वो आपको एक्वायर करना है। सो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट आपको प्रिंट आउट करके फिलअप करके जो वॉक इन डेट एंड टाइम बताया गया वहाँ पे लेके जाना है। सो दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट आपको प्रॉपरली फिलअप करना है। ये जो फोटो का स्पेस है फोटो आपको पेस्ट करना है। सो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स में जो जो बताया गया है उसका आपको पूरा डिटेल्स इसमें प्रॉपरली फिलअप करना है, कोई गलती नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है और एप्लीकेशन फॉर्म इसको कैसे फिलअप करना है रिगार्डिंग दिस मेरा ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है, यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ दैट वीडियो टू फिलअप द फॉर्म प्रॉपरली। सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ये एडवर्टाइजमेंट जो है और एप्लीकेशन फॉर्म इसके साथ अटैच करना देख लेते हैं। सो एप्लीकेशन फी ₹500 का जो डिमांड ड्राफ्ट बताया गया है वेर एवर एप्लीकेबल आपको अटैच करना है दैट इज इन फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एंड पेएबल एट मुंबई। नेक्स्ट आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, नंबर 3 10th स्टैंडर्ड और मैट्रिकुलेशन मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपने HS किया है सो HS का और प्री डिग्री मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको देना है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है सो ग्रेजुएशन 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर एंड 4th ईयर का मार्कशीट देना है। डिग्री कंप्लीट कर चुके तो डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है सो डिप्लोमा कोर्स। अगर आपने ITI कोर्स किया है तो ITI कोर्स का सर्टिफिकेट एंड NCERT कोर्स का सर्टिफिकेट। अगर आप MBA कर चुके हैं सो MBA का मार्कशीट ईच ईयर का और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट
और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको देना है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी है कैंडिडेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप एक सर्विस में रहें तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का जेरोक्स आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेशनलिटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको लोकल एसडीएम ऑफिस से मिल जाएगा और डीएम ऑफिस से मिल जाएगा। आपका पैन कार्ड का कॉपी, आधार कार्ड का कॉपी, इनकम एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस, और अगर आपका लाइक यूटिलिटी एजेंट के लिए तो ड्राइविंग मस्ट है, तो एचएमबी जो लाइसेंस है उसका बोथ फ्रंट एंड बैकसाइड का जेरोक्स करके कॉपी आपको अटैच करना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स, तो पासपोर्ट का कॉपी आप अटैच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन है, आपको समझ में आ चुका है एंड इसको कैसे फिलअप करना है, ये रेफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यू कैन गो अहेड एंड चेक द अदर वीडियो अपलोडेड इन दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा है एंड अगर आप इन फ्यूचर ऐसे ही लेटेस्ट जॉब रिलेटेड अपडेट आपको चाहिए, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड ऑल्सो वेरी शॉर्टली मैं इसको जो इंटरव्यू है एएसएल का इंटरव्यू पैटर्न क्या है एंड अदर्स जो डिटेल्स है उसका भी वीडियो बना चुका हूँ। यू कैन गो अहेड एंड रेफर टू दिस वीडियो फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। ऑल्सो इसका इंटरव्यू जो लेटेस्ट कैसा ट्रेंड है एंड क्या क्या पूछा जा रहा है, सो उसका भी एक वीडियो शॉर्टली मैं लेके आ रहा हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।